नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बयान से एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल पीके ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में हैं और अगर स्थिति की मांग होती है तो वह फिर से पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। पीके ने बताया कि नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के जरिए भाजपा के साथ बातचीत की एक लाइन खुली रखी है। पीके के इस बयान पर हरिवंश नारायण का भी रिएक्शन जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं पीके के इस बयान को पार्टी द्वारा खारिज कर दिया गया है और इस बयान को लेकर जेडीयू ने किशोर की खिंचाई भी की। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह अपने जीवन में फिर कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। त्यागी ने कहा, हम उनके दावों का खंडन करते हैं। किशोर ने भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की भ्रामक टिप्पणी की है। महाराष्ट्र में एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई। एटीएस ने नवी मुंबई के पनवेल से पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पीएफआई के जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक पीएफआई स्टेट एक्सपेंशन कमेटी का सदस्य, एक पीएफआई सेक्रेटरी और 2 अन्य पीएफआई के सदस्य हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी एक खुफिया सूचना के आधार पर की गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा बैन के बावजूद पीएफआई से जुड़े ये लोग आगे की रणनीति बनाने के लिए पनवेल में सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। एटीएस को इसकी भनक लगी और छापा मार कर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। आज सभी को नवी मुंबई के पनवेल कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले महीने इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ISIS जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों से संबंध रखने और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत 5 के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली में सर्दियों के समय अक्सर कोहरे के साथ साथ हवा में मिला प्रदूषण राजधानी को जहरीला कर देता है और अब जैसे जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है तो एक बार फिर दिल्ली की हवा में जहर घुलने का अंदेशा बढ़ गया है। दरअसल पंजाब में पिछले 9 दिनों में पराली जलाने की घटनाओं में करीब 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही अभी तक इस मौसम में ऐसे मामलों की कुल संख्या 2,625 हो गई है। इस साल 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक राज्य में पराली जलाने की 718 घटनाएं सामने आई हैं। लुधियाना स्थित पंजाब रिमोट सेंसिंग केंद्र के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बुधवार को पराली जलाने की 436 घटनाएं दर्ज की गई। वहीं राहत की बात सिर्फ इतनी सी है कि पिछले 2 के मुकाबले में इस साल पराली जलाने की घटनाएं कम देखी गई हैं। राज्य में 2020 में 19 अक्टूबर तक पराली जलाने की 7,115 और 2021 में 2,942 घटनाएं दर्ज की गई थीं। बता दें कि अक्टूबर और नवंबर में राजधानी दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्तर में चिंताजनक वृद्धि के प्रमुख कारणों में से ही एक है पंजाब और हरियाणा में पराली जलाया जाना। इसके चलते ठंड के मौसम में दिल्ली की हालत किसी गैस चैम्बर जैसी हो जाती है और इसी की वजह से यहां रहने वाले लोगों में सांस लेने की बीमारियों में भी काफी वृद्धि देखी जाती है। दिल्ली में सर्दियों के समय बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखे जलाने पर तो पहले ही बैन लगा दिया गया था और अब प्रदूषण को लेकर सतर्क दिल्ली सरकार ने पटाखे जलाने और खरीदने को लेकर एक नए नियम की जानकारी दी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में पटाखे खरीदने और जलाने पर 200 रुपए जुर्माना और 6 महीने की कैद की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी में पटाखों का निर्माण बिक्री करने वालों को भी 3 की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। गोपाल राय ने कहा कि दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए कुल 408 दलों का गठन किया गया है। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद पहली बार शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और मिलिंद नार्वेकर, जो कि उद्धव ठाकरे के करीबी और सचिव हैं, एक ही मंच पर दिखे। बता दें हाल के महीनों में ही शिवसेना से विद्रोह करके एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में नई सरकार बनाई है। वहीं मुंबई क्रिकेट संघ चुनाव से पहले इस मुलाकात को लेकर दोनों पक्षों का कहना है कि यह एक राजनीतिक कदम नहीं है। बता दें कि देश की सबसे प्रतिष्ठित मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यकारी चुनाव के लिए 20 अक्टूबर यानी आज वोटिंग होनी है और इसी के लिए बुधवार को पार्टी के सभी नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया गया था।
इस डिनर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना उद्धव बालासाहेब, पार्टी सचिव मिलिंद नार्वेकर, एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड, बालासाहेब की शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक, देवेंद्र फडणवीस के विश्वास पात्र अमोल काले सभी एक साथ एक ही मंच पर मौजूद रहे। वहीं मंच पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पवार और मिलिंद नार्वेकर के सामने कहा कि 3 महीने पहले हमने बैटिंग की थी तो क्रिकेट का अनुभव तो हो गया है। और राजनीतिक नेता जो राजनीति में एक दूसरे के विरोधी हैं, मुंबई क्रिकेट संघ चुनाव में एक ही पैनल में चुनाव के लिए खड़े हैं, ऐसे में देखा जा सकता है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि MCA चुनाव कितना प्रतिष्ठित है। IT सिटी कहे जाने वाले बेंगलुरु में सितंबर के पहले हफ्ते में हुई जबरदस्त बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए थे। शहर के निचले इलाके जलमग्न थे और IT प्रोफेशनल सब को कारों की बजाय ट्रैक्टर पर ऑफिस जाना पड़ा था। दिवाली से पहले एक बार फिर बेंगलुरु में वैसे ही हालात बन सकते हैं। बुधवार को बेंगलुरु में जमकर बारिश हुई है जिसके चलते सड़कों पर पानी भर गया है और कई जगहों पर तो दीवारें गिर गई हैं। बारिश की वजह से सड़क पर पार्क हुई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब हुआ कि अगले 5 दिनों तक शहर में बारिश जारी रहेगी। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं होगी, फिर भी बेंगलुरु के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए दिवाली में भी डूबने की आशंका लोगों को सता रही है। भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने लंदन में मंत्री स्तरीय संचार के लिए अपने पर्सनल ईमेल का इस्तेमाल करने की गलती के बाद बुधवार को पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें, ब्रेवरमैन को 43 दिन पहले ही गृह मंत्री नियुक्त किया गया था जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कार्यभार संभाला था। इससे पहले ब्रेवरमैन की बुधवार को प्रधानमंत्री ट्रस के साथ बैठक हुई। 42 वर्षीय ब्रेवरमैन ने अपने ट्विटर हैंडल पर त्याग पत्र को पोस्ट किया। उन्होंने कहा, मैंने गलती की, मैं इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ। मैंने अपने पर्सनल ईमेल से एक विश्वसनीय संसदीय सहयोगी को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजा। जैसा कि आप जानते हैं, दस्तावेज आवर्जन के बारे में मंत्री स्तरीय बयान था जिसका प्रकाशन होना था। उन्होंने कहा, जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने तुरंत आधिकारिक माध्यम से कैबिनेट सचिव को सूचित किया। हम एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, मुझे सरकार की दिशा के बारे में चिंता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।